हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद कुमार, आपका अपने चैनल आरबीएससी स्टडी बाय गोविंद पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय के अंतर्गत चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना, इसके अंतर्गत हमने प्रश्नावली 3.1 और 3.2 को हल कर लिया है, और उससे पहले का जो भी बेसिक था वो हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 से पहले का जो बेसिक है उस बेसिक को पहले अच्छे से समझेंगे, और उसके बाद इसकी अगली क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 को हल करेंगे, ताकि आपको प्रश्नावली हल करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम चतुर्भुज और उसके कुछ प्रकार जैसे समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और उसकी विशेषताएँ, गुण धर्म और उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चतुर्भुजों के प्रकार। तो चतुर्भुज क्या होता है, इसकी चर्चा तो हमने कर ली थी। तो चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज एक प्रकार का बहुभुज होता है जिसमें कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं शामिल होती है। ठीक है, और बहुभुज किसे कहते हैं वो हमने चर्चा कर ली थी कि केवल रेखाखंडों से निर्मित एक सरल बंद वक्र को हम बहुभुज कहते हैं। केवल रेखाखंडों से निर्मित एक सरल बंद वक्र को हम बहुभुज कहते हैं, और एक ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 4 हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम चतुर्भुजों के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो एक चतुर्भुज की भुजाओं और कोणों की प्रकृति के आधार पर इसे विशेष नाम दिए जाते हैं। किसके आधार पर, कि चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं और उनके कोणों की जो प्रकृति है उसके आधार पर उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ठीक है, देखें तो सबसे पहला जो हमारे पास चतुर्भुज है वो है समलंब चतुर्भुज। कौन सा है, समलंब चतुर्भुज। देखें तो क्या होता है, ये समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। भाई देखो, समलंब चतुर्भुज है, कितनी भुजाएं होगी, 4 भुजा। इन 4 भुजाओं में से एक युग्म का मतलब होता है एक जोड़ा। एक युग्म का मतलब क्या है, एक जोड़ा। कैसा होता है, समांतर। अब समांतर रेखा क्या होती है वो समझो। जैसे ये 2 रेखा है तो इन्हें समांतर कब कहा जाता है, जब ये एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटेगी। वे 2 रेखाएं जो कहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा। देखो समांतर का मतलब क्या है, सम प्लस अंतर, मतलब ऐसी 2 रेखा जिनके बीच का अंतर सदैव कैसा रहता है, समान रहता है ना। तो फिर अगर अंतर दोनों के बीच का समान रहेगा, जैसे यहां पर 5 मीटर है तो यहां पर भी कितना है, 5 मीटर। तो जब दोनों रेखाओं के बीच का अंतर हमेशा समान रहेगा तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है, तो वे 2 रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है, और उनके बीच की दूरी सदैव कैसी रहती है, समान रहती है, ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। तो समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म यानी एक जोड़ा क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, कुल 4 भुजा होती है, उन 4 भुजाओं में से 2 भुजा क्या होगी, समांतर होगी। ठीक, आगे तीर का निशान समांतर रेखाओं को दर्शाता है। ठीक है, देखिए चित्र दिख रहे हैं आपको, यहां पर पहला चित्र देखें, ये वाली भुजा देखें, मैं नाम दे देता हूं ए बी सी और डी। तो जो ए बी भुजा है और डी सी भुजा है ये क्या है, एक दूसरे के समांतर है। क्या है, ए बी समांतर डी सी। तो ए बी समांतर को लिखते हैं ऐसे, ए बी समांतर डी सी, यानी ये दोनों भुजाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया, 1, 2, 3 और 4 भुजाएं, तो चतुर्भुज है। फिर समलंब है, समलंब का मतलब क्या है कि इसकी 2 समांतर भुजाएं होगी, क्या इतनी होगी, 2 भुजाएं क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। तो देखो ए बी भुजा डी सी भुजा के क्या है, समांतर है, तो यानी कि ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक, इसी तरह दूसरा चित्र, इसमें भी देखो ए बी सी और डी, इसमें भी ए बी किसके समांतर है, डी सी के, तो भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है, तो ये समलंब चतुर्भुज है। फिर तीसरा देखें तो तीसरा ए बी सी और डी, तो देखो ए डी और बी सी, कौन कौन सी, ए डी और समांतर किसके, बी सी के। देखो ए डी समांतर बी सी, ये जो तीर का निशान दिख रहा है आपको ये वाला, ये क्या बता रहा है कि ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है। ठीक है, इसी तरह इस आकृति में देखो, इसके भी कुछ नाम दे दो, जैसे ए बी
सी और डी। तो इसमें भी देखो कौन कौन सी भुजा, ए बी भुजा और डी सी भुजा। देखो ये तीर का निशान है, यानी ये दोनों भुजा क्या है, एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, चलिए। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें समांतर भुजाओं का एक युग्म एक जोड़ा पाया जाता है, ऐसे चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर ये समलंब नहीं है। इसका कारण क्या है कि देखो ये दोनों रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, और ये वाली दोनों रेखा भी एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें एक भी रेखा ऐसी नहीं है जो समांतर है एक दूसरे के, इस कारण से ये समलंब चतुर्भुज नहीं है। ठीक इसी तरह देखो ये जो रेखाएं हैं ये क्या होगी, आगे जाके एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, इस कारण से ये समलंब नहीं है। ठीक, फिर ये वाले आकृति, तो इसमें भी कोई समलंब आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये इसकी कितनी भुजाएं, 1, 2, 3, 4 और 5 भुजाएं, इस कारण से ये समलंब चतुर्भुज नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखो कंफ्यूज होने के लिए समांतर का निशान दिया हुआ है, तो ये और ये भुजा समांतर तो हैं, लेकिन भुजाओं की संख्या कितनी होगी, देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो ये तो पंचभुज है, ये चतुर्भुज नहीं है। ठीक, इधर इसी तरह तो इसमें कोई भी भुजा एक दूसरे के समांतर नहीं है, इस कारण ये आकृति समलंब चतुर्भुज नहीं है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सरल था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। केवल आपको इतना याद रखना है कि समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा होगी, और समलंब समलंब का मतलब है कि 2 भुजाओं में से, सॉरी, जो 4 भुजाएं हैं उन 4 भुजाओं में से 2 भुजाएं एक दूसरे के क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, एक समांतर भुजाओं का जोड़ा पाया जाएगा, तो ऐसे चतुर्भुज को हम समांतर समलंब चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, चले आगे हम बात कर रहे हैं बच्चों पतंग। पतंग चतुर्भुज क्या होता है, तो पहली बात तो ये भी चतुर्भुज है, तो कितनी भुजाएं होगी, 4। तो देखिए पतंग विशिष्ट प्रकार का एक क्या है, चतुर्भुज है, और चतुर्भुज मतलब कितनी भुजा होगी, 4 भुजा। ठीक है, अब एक पतंग में कितनी भुजा होती है, 4 भुजाएं होती है, कारण क्या है कि यह एक चतुर्भुज है। ठीक, फिर इसमें अलग अलग आसन्न भुजाओं के 2 युग्म होते हैं जिनकी लंबाई क्या होती है, समान होती है। इसमें अलग अलग आसन्न भुजाओं के 2 युग्म होते हैं जिनकी लंबाई क्या होती है, समान होती है। ठीक है, आसन्न भुजाओं के 2 युग्म होते हैं जिनकी लंबाई समान होती है। अब देखो आसन्न भुजा क्या होती है, आसन्न भुजा का मतलब है एक दूसरे पर आश्रित भुजाएं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे आपने कोण पढ़ा होगा, तो जैसे ये क्या बन रहा है, ये कोण बन रहा है, यहां पर है ना, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, इसका नाम ओ है, ये समझ लीजिए ए है, और ये क्या है, बी है। ठीक है, तो आसन्न भुजा का मतलब होता है कि जहाँ से एक भुजा शुरू हो रही है, सॉरी, जहाँ से एक भुजा खत्म होती है वहीं से दूसरी भुजा शुरू होती है। देखो ए ओ, ये पहली भुजा यहाँ पर खत्म हो रही है और दूसरी भुजा यहाँ से क्या हो रही है, शुरू हो रही है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 भुजाएं जिनका प्रारंभिक बिंदु कैसा हो, उभयनिष्ठ हो, 2 भुजाएं जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, उभयनिष्ठ हो, ऐसी भुजाओं को हम क्या कह सकते हैं, आसन्न भुजाएं कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ये चित्र दिख रहा है, 2 भुजाएं जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, उभयनिष्ठ हो। देखो ओ ए और ओ बी दोनों में क्या है, ओ उभयनिष्ठ है ना, तो इसे ऐसी दोनों भुजाओं को हम क्या कहेंगे, आसन्न भुजाएं। और 2 आसन्न भुजाएं हमेशा किसका निर्माण करती है, कोण का निर्माण करती है। ठीक है, तो पतंग में आसन्न भुजाओं के कितने युग्म होते हैं, 2 जोड़े पाए जाते हैं, कितने जोड़े, 2 जोड़े पाए जाते हैं जिनकी लंबाई कैसी होती है, जिनकी लंबाई बराबर होती है, जिनकी लंबाई बराबर होती है। ठीक है, देखो पहले आकृति, यहां से देखो ए से एक एक रेखाखंड बी जा रहा है, एक क्या जा रहा है, डी जा रहा है, तो ये क्या है, आसन्न भुजाएं दोनों, क्योंकि इनका प्रारंभिक बिंदु कैसा है, उभयनिष्ठ। देखो ए बी और ए डी, तो इसका भी प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए, और इसका भी प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए, यानी दोनों का प्रारंभिक बिंदु क्या है, उभयनिष्ठ है। इसका मतलब दोनों भुजा कैसी है, आसन्न भुजा, और इन दोनों आसन्न भुजाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो देखो ये वाला निशान किसका बता रहा है कि इन दोनों की लंबाई बराबर है, तो पहला जोड़ा ये हो गया आसन्न भुजाओं का। दूसरा जोड़ा देखो यहां से सी बी सी डी, कौन सा, सी बी सी और डी, तो देखो सी बिंदु इसमें भी उभयनिष्ठ है, इसमें भी उभयनिष्ठ है, तो सी क्या है, दोनों का प्रारंभिक उभयनिष्ठ बिंदु है, तो ये दोनों भुजा कैसी है, आसन्न भुजा है, और इन दोनों की लंबाई कैसी होगी, समान होगी। तो देखो जितनी लंबाई सी बी की है उतनी उतनी लंबाई कितनी होगी, सी डी की होगी। ठीक है, तो आसन्न भुजाओं का पहला जोड़ा ये रहा, दूसरा जोड़ा ये रहा, तो एक पतंग चतुर्भुज में आसन्न भुजाओं के 2 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है,
ठीक इसी तरह इस आकृति में देखो तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आसन भुजा है, ये पहला जोड़ा। इसी तरह ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर है और कैसी है, आसन भुजा है। तो यहाँ पर भी आसन भुजा के कितने जोड़े हैं, दो जोड़े। तो ये भी कैसी आकृति है, पतंगाकार। ठीक इसी तरह देखो ये भुजा और ये भुजा दोनों आसन भुजा है और दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है और कैसी है, आसन भुजा, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ बिंदु ये रहा और इन दोनों का उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु ये वाला है। तो इसमें आसन भुजा के कितने जोड़े पाए जाते हैं, दो जोड़े। ठीक है, तो पतंग चतुर्भुज किसे कहते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन भुजाओं के दो जोड़े पाए जाते हैं और दोनों की लंबाई, ठीक है, यानी आसन भुजाओं की लंबाई बराबर क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, पतंग कहते हैं। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, अब यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा देखो जैसे ये है, इसका मैं नाम दे देता हूँ ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो पहली बात तो इसमें कितनी भुजा, एक दो तीन चार और पाँच, तो इस कारण से ये पतंग नहीं है। दूसरी आकृति देखो, इसमें देखो कितनी चार भुजा है, एक दो तीन और चार, लेकिन ये और ये भुजा देखो आसन नहीं है। आसन का मतलब है दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए, तो इसका और इसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है और इसका भी कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, इस कारण से ये क्या नहीं है, पतंग नहीं है। ठीक इसी तरह देखो ये और ये बराबर है लेकिन ये क्या नहीं है, आसन भुजा नहीं है, इस कारण से ये भी पतंग नहीं है। तो पतंग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आसन भुजाओं के दो जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, होगी चार भुजा। जैसा कि नाम संकेत करता है कि इसका संबंध समांतर रेखाओं से है। देखो जैसा नाम पता चल रहा है समांतर, यानी कि इसमें इसका जो संबंध है वो किससे है, समांतर रेखाओं से। और समांतर रेखा किसे कहते हैं, ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, उनको हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। यह समांतर रेखाओं के दो युग्मों से मिलकर बनी है। देखो समांतर रेखाओं के कितने जोड़े, दो जोड़े। अगर आसन भुजाओं के दो जोड़े होते हैं तो हम उसको पतंग कहते हैं, और यदि समांतर रेखाओं के दो जोड़े होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यह एक समांतर चतुर्भुज है, यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें समांतर रेखाओं के दो जोड़े पाए जाते हैं, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजा कैसी होती है, समांतर होती है। सम्मुख का मतलब क्या होता है, आमने सामने की। ठीक है, सम्मुख का मतलब क्या है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। ठीक है, तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा समांतर होती है, ऐसे चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। देखें चित्र, इस वाले चित्र में देखें जितनी भुजा ए बी होगी उतनी की उतनी क्या है, डी सी, यानी ए बी समांतर डी सी। तो यहां पर ये जो पी लिखा हुआ है ये गलती से लिखा है, पी की जगह पी ना होकर क्या होगा, ऐसे दो लाइन, इसका मतलब है ये समांतर है। तो ए बी समांतर किसके हैं, ए बी समांतर है डी सी के। ठीक है, इसी तरह ए डी समांतर किसके हैं, बी सी के। ए डी समांतर है बी सी के, तो समांतर भुजाओं के कितने जोड़े हो गए, दो। पहला जोड़ा ए बी समांतर डी सी, दूसरा जोड़ा ए डी समांतर बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। ठीक इसी तरह देखो यहां पर देखो क्यू पी समांतर क्या है, एस आर। क्यू पी समांतर एस आर, ये और ये सम्मुख भुजा है आमने सामने की। इसी तरह पी आर समांतर किसके हो जाएगा, क्यू और एस के। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज। ठीक इसी तरह एल और एम समांतर किसके हैं, ओ और एन के, और एल और ओ समांतर किसके हैं, एम और एन के। तो इसमें समांतर भुजाओं के कितने जोड़े पाए जा रहे हैं, दो जोड़े। तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज। फिर देखो ये आकृति, इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तो समांतर है लेकिन ये और ये समांतर नहीं है, केवल समांतर भुजाओं का एक ही जोड़ा पाया जा रहा है, ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी। इस कारण से ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, कितने जोड़े होने चाहिए थे, दो जोड़े। ठीक है, ये देखो तो ये तो समांतर रेखा ही नहीं है, तो चित्र ये क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि देखो ये रेखाएं आगे जाकर एक दूसरे को काटेगी। फिर ये वाली आकृति देखो, तो इसमें समांतर भुजाओं के दो जोड़े तो पाए जा रहे हैं लेकिन भुजा कितनी है, देखो एक दो तीन चार पाँच और छः भुजा है, और छः भुजा क्या होता है, चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज नहीं होता, तो ये भी समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें समांतर रेखाओं के कितने जोड़े
समांतर रेखाओं या समांतर भुजाओं के दो जोड़े पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चले आगे देखें। समांतर चतुर्भुज के अवयव यानी एक समांतर चतुर्भुज किन किन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो देखें समांतर चतुर्भुज है तो कितनी भुजाएं होगी, चार, और चार भुजाएं है तो कोण भी कितने होंगे, चार। तो एक समांतर चतुर्भुज में चार भुजाएं और चार कोण होते हैं। ठीक है, चार भुजाएं कौन कौन सी देखो, ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये चार भुजाएं हैं, मैं लिख लेता हूं इधर, ए बी भुजा, ठीक है, बी सी, फिर सी डी और डी ए, ये चार भुजा है। फिर इसी तरह चार कोण कौन कौन से हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। ठीक है, यहाँ पर देखो एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दिया गया है जिसमें चार भुजा है और चार कोण हैं, और इसमें क्या है देखो, अब देखो ए बी और डी सी ये क्या है, इसकी सम्मुख भुजा है, आमने सामने की भुजा है, तो आमने सामने की भुजा क्या होगी, समांतर होगी, तो ये भुजा इसके समांतर है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है। तो देखो ए बी और डी सी इसकी क्या है, सम्मुख भुजा है और कैसी है, समांतर भुजा भी है। तो हम लिख लेंगे कि ए बी समांतर डी सी, इसी तरह ए डी समांतर बी सी, और क्या होगा, ए डी समांतर बी सी, जो कि सम्मुख भुजा भी है और कैसी है, समांतर भुजा भी है। ठीक है, फिर देखो सम्मुख कोण कौन कौन से हो जाएंगे, आमने सामने के कोण, तो कोण ए और कोण सी, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, सम्मुख कोण है, आमने सामने के कोण है। इसी प्रकार बी और डी ये भी क्या है, एक दूसरे के सम्मुख कोण है, आमने सामने के कोणों को हम क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने क्या पढ़ा अभी तक, कि एक समांतर चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है, चार कोण होते हैं। ठीक है, फिर सम्मुख भुजाओं के दो जोड़े पाए जाते हैं, एक ए बी और सी डी और एक ए डी और बी सी। फिर इसी तरह दो सम्मुख कोणों के जोड़े पाए जाते हैं, पहला जोड़ा कोण ए और कोण सी सम्मुख है, दूसरा जोड़ा कोण बी और कोण डी सम्मुख है, सम्मुख मतलब आमने सामने के कोण। ठीक है, आगे देखो और क्या होता है अवयव। ए बी और बी सी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं हैं। देखो ए बी बी और सी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, एक दूसरे के आसन्न भुजा है, क्योंकि इनका जो प्रारंभिक उभयनिष्ठ बिंदु है वो कौन सा है, बी। ठीक है, बी ए और बी सी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ए बी जहां पर खत्म हो रही है, बी सी वहीं से शुरू हो रही है, तो दोनों का जो प्रारंभिक बिंदु है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, इसी तरह कौन सी होगी, और ए डी और डी सी, कौन सी होगी, ए डी और डी सी, ये भी क्या है, आसन्न भुजा है, क्योंकि जहां पर ये जो डी बिंदु है ये क्या है, दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जहां पर ए डी खत्म हो रही है वहीं से डी सी शुरू हो रही है, तो इस कारण से ये वाली भुजा एक दूसरे की क्या है, आसन्न भुजा है। ठीक है, चलिए, तो ये बराबर नहीं होगी, ये पतंग में बराबर होती है, केवल मैंने बताने के लिए बताया है कि ये दोनों क्या होगी, आसन्न होगी। ठीक है, तो आप बराबर का निशान नहीं लगाए, बराबर ये कहाँ होती है, पतंग में होती है, तो ये मैंने केवल समझाने के लिए बताया था। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये और ये आसन होगी और ये और ये आसन होगी। ठीक है, फिर देखें कोण ए और कोण बी समांतर चतुर्भुज के आसन कोण हैं, कौन कौन सी, कोण ए और कोण बी, ये क्या है, एक दूसरे के आसन कोण हैं, क्यों, क्योंकि इनका जो प्रारंभिक उभयनिष्ठ बिंदु है वो क्या है, समान है। ठीक है, लिखा हुआ है दोनों ही कोण उभयनिष्ठ भुजा के अंत बिंदुओं पर बने हैं, क्योंकि दोनों की भुजा क्या है, समान भुजा है ए बी, और ये दोनों एक ही भुजा के अंत बिंदुओं पर बने हुए हैं, इस कारण ये कैसे कोण है, आसन कोण। इसी तरह बी और सी, बी और सी देखो एक ही रेखाखंड है बी और सी, और दो यहां शुरू हो रहा है, एक भाग पर कोण बी बना हुआ है, दूसरे भाग पर कोण सी बना हुआ है, तो ये भी क्या है, आसन कोण है। इसी तरह और कौन कौन से हैं, कोण सी और कोण डी, कोण और सी और कोण सी और कोण डी आसन कोण है। इसी तरह कोण डी और कोण ए, कोण डी और कोण ए, ये भी क्या है, आसन कोण है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि एक समांतर चतुर्भुज में चार भुजा होती है, चार कोण होते हैं, आमने सामने की भुजाओं को सम्मुख भुजा कहते हैं जिसके दो जोड़े पाए जाते हैं, आमने सामने के कोणों को सम्मुख कोण कहते हैं जिसके भी दो जोड़े पाए जाते हैं, चार आसन्न भुजाएं पाई जाती है, ठीक है, और चार आसन्न कोणों के जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए,
आगे हम बात कर रहे हैं समांतर चतुर्भुज के कुछ अन्य गुण धर्म या विशेषताएं। ठीक है, देखो सबसे पहले विशेषता क्या होती है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर माप की होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा यानी आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर माप की होती है। जैसे ए बी बराबर होगी डी सी के और ए डी बराबर होगी किसके, बी सी के। तो हम लिखेंगे कि ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। चले आगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं, यानी कि जितना कोण ए होगा उतना का उतना कोण सी होगा। ठीक है, तो कोण ए बराबर कोण सी। ठीक इसी तरह कोण बी बराबर कोण डी, तो कोण बी बराबर कोण डी। तो दूसरी बात याद रखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। ठीक है, आगे देखें तीसरी विशेषता, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। क्या होते हैं, संपूरक। संपूरक का मतलब क्या है, संपूरक का मतलब है कि वे दो कोण जिनका योग कितना होता है 180 डिग्री, वे दो कोण जिनका योग कितना होता है 180 डिग्री, ऐसे कोणों को हम संपूरक कोण कहते हैं। तो क्या बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, तो देखो कौन कौन से आसन्न कोण है, ए और बी। तो हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। इसी तरह बी और सी आसन्न कोण है, तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। फिर सी और डी आसन कोण है, तो कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। इसी तरह डी और ए आसन कोण है, तो कोण डी प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक, यानी दो आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। आगे देखें, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अवश्य ही उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर। तो ये देखो समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण कौन कौन से हैं, पहला विकर्ण ए से सी, एक विकर्ण कौन सा है, विकर्ण ए सी, और एक विकर्ण कौन सा है, बी डी, बी और डी। तो क्या लिखा हुआ है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, मतलब ए सी BD को दो भागों में बांटेगा और ये जो BD है ये BD AC को दो भागों में बांटेगा। ठीक है, कैसे, समद्विभाजित यानी कि समान दो भागों में। इसका मतलब क्या हुआ, जितना OA है उतना का उतना क्या होगा वो C, और जितना OD है उतना का उतना क्या होगा वो B। ठीक है, तो यहाँ लिख लेता हूँ, जितना OA है उतना का उतना क्या होगा वो C, और जितना OD होगा उतना का उतना क्या होगा वो B, क्योंकि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटता है। तो जितना पहला भाग होगा उतना का उतना ये भाग, जितना ये भाग उतना का उतना ये भाग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 3.3 से पहले का जो भी बेसिक था उसको अच्छे से पढ़ लिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 की शुरुआत करेंगे। तो सभी मित्रों से निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।